बिहार के महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण करने पहुंचे जिला जज। महाराजगंज क्षेत्र के वासियों की लंबित मांगे व्यवहार न्यायालय को चालू करने की एक आशा की किरण जगी। आज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय स्थल के निरीक्षण के लिए जिला जज प्रमोद कुमार मलिक ने महाराजगंज पहुंचे। महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय चालू करने के लिए चंद्रशेखर पुस्तकालय में सभी पहलुओं का निरीक्षण करने से एक आशा की किरण दिखाई दी। वहीं जिला जज के साथ एसडीओ संजय कुमार व डीएसपी पोलस्त कुमार साथ साथ थे। उसके बाद व्यवहार न्यायालय निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया गया। जिला जज प्रमोद कुमार मलिक ने बताया कि अस्थायी व्यवहार न्यायालय जल्द चालू करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जिससे महाराजगंज वासियों में एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। वहीं वकीलों में भी खुशी की लहर दिखाई दी। और मैं भी 2 महीने पहले यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ जुडिशल सब डिवीज़न भी मतलब काफ़ी पहले से मतलब क्या नाम प्रपोज था और किसी वजह से उसका इनॉग्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाया, तो हम यही देखने के लिए आए हैं। और इसके लिए जुडिशल सब डिवीज़न के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर जहाँ बनेगा उसके लिए लैंड एक्वायर की गई है, कुछ रास्ते का इशू है, वही चीज़ें हम लोग देखने के लिए आए हैं कि कहाँ क्या अड़चन है। और ये भी हम लोगों को देखना है कि परमानेंट तो जब चलेगा चलेगा ही, और उससे पहले टेम्प्रेरी तौर पे भी मान लें इस बिल्डिंग में या कहीं और जहाँ भी मतलब क्या नाम जो है फिजिबल हो तो वो किया जा सकता है। यही वो तो वही स्कोप हम देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। क्या उम्मीद की जाए सर, महाराजगंज वासी क्या उम्मीद करें कि इस साल दिसंबर तक? नहीं देखिए, कोई हम डेडलाइन नहीं दे सकते चूँकि हमारे ऊपर हाईकोर्ट है और हम तो हाईकोर्ट के मतलब क्या नाम सबॉर्डिनेट कोर्ट के रूप में काम करते हैं। आप लोग ये समझिए कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।